एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निधि और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं अपना मिंत्रा कुर्ती हॉल। मैंने मिंत्रा से कुछ कुर्तीज परचेज की थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। सारी कुर्तीज जो है वो मैंने एक साथ परचेज नहीं की है, ऐसा नहीं है कि मैंने ये रिसेंटली एक साथ बाय की है। कुछ कुर्ती ऐसी है जो मैंने कुछ दिनों पहले बाय की है, कुछ ऐसी है जो मैंने एक दो महीना पहले भी बाय की है। तो हो सकता है आपको इनकी जो प्राइसिंग है वो थोड़े से डिफरेंट लगे, आपको थोड़ा सा अलग लगे, क्योंकि मैंने जिस प्राइसिंग पर खरीदा है उससे हो सकता है उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी बढ़ गई हो या फिर कम हो गई हो। उसके लिए आप प्रेस बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और जिस प्राइस में मैंने परचेज की है वो आपको करंटली स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। और ये जो आपको थोड़ा सा आवाज अगर वीडियो में आ रही है तो ये मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कुर्ती जो मैंने अभी कॉटन की कुर्ती परचेज की है और ये है लिबास ब्रांड की तरफ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर इस तरह से कुछ मैरून ब्लू एंड ब्राउन का कुछ कॉम्बिनेशन है इस तरह से। यहाँ पे नेक पे आपको इस पे डिजाइन मिल जाता है और ये कॉलर नेक है ये आप देख सकते हैं, और स्लीव्स पे भी आपको यहाँ पर ऐसे डिजाइन मिल जाएगा। ये 3/4 स्लीव्स है और काफी अच्छी लगती है और इतना सॉफ्ट मटेरियल है इसका। मुझे लिबास की कुर्ती पर्सनली बहुत पसंद है, मतलब इनका जो फैब्रिक होता है वो बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल खराब नहीं होती है। डेली में आप वेयर कर सकते हैं, ओकेजनल भी आप वेयर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा आपका कपड़ा। तो मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने फर्स्ट कुर्ती ये परचेज की है और मुझे ये सिर्फ और सिर्फ 500 के अंदर मुझे ये कुर्ती मिल गई है। मतलब कुछ डेल थी उस दिन तो मैंने ये परचेज की है और ये बिल्कुल आपको लॉन्ग कुर्ती मिलेगी, ऑल ओवर आपको इसी तरह से ये पूरा प्रिंट मिलेगा और नेक पे आपको यहाँ पर ये इस तरह से डिजाइन मिल जाएगा। ये बैक में आपको इसी तरह से ये प्रिंटिंग मिलेगी और पहनने के बाद ना ये काफी अच्छा लगा है। और लिबास का कुर्ता है तो मुझे, मैंने जैसे कि आपको बताया, मुझे इसमें बहुत ट्रस्ट है और मैंने पहले भी इस तरह से डेली यूज के कुर्ते लिए हैं, बिल्कुल खराब नहीं निकलते हैं। जितने भी कुर्ते मैं आपको दिखा रही हूँ सबका ट्राय ऑन आपको साइड पे दिखाई दे जाएगा। मैं एक वीडियो आपके साथ इसके हैंड टू हैंड शेयर कर दूंगी कि ये पहनने के बाद किस तरह से लगता है। तो फर्स्ट कुर्ता है ये। तो सेकंड कुर्ता मैं आपको दिखाती हूँ, सेकंड जो कुर्ता है वो मैंने लिया है फैशर ब्रांड से। और इसके कुर्ते जो है ना आपने देखा होगा, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना सुंदर मस्टर्ड येलो कलर है और मुझे इसका ना कलर बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको लिया था। और ये आप देख सकते हैं इसके नेक पे ना इस तरह से पूरा इस तरह से वर्क दिया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो पूरा इस तरह से वर्क दिया हुआ है। और इसकी भी स्लीव्स आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट ये फुल स्लीव ही है, मतलब मुझे ये पूरा यहाँ तक आया था। और इसके स्लीव्स पे भी इस तरह से ये काम दिया हुआ है, दोनों तरफ आप देख सकते हैं पूरी अच्छे से लेंथ है स्लीव्स की और बिल्कुल नीचे तक ये कुर्ता आपको पूरा मिल जाएगा। जो फैशन के कुर्ते हैं ना मैंने देखा है उनके डिजाइन में ना बिल्कुल आपको इस तरह से आगे फ्रंट में यहाँ पर इस तरह से डिजाइन ज्यादा मिलते हैं, तो मुझे ये काफी अच्छा लगा तो मैंने इसको परचेज कर लिया। आप चाहे तो आप इसको डायरेक्ट की साइड से परचेज कर सकते हैं, बट मैंने इसको मिंत्रा से परचेज किया है। तो सेकंड कुर्ता है ये, बहुत सुंदर इसका कलर है और ऑल ओवर इस पे इसी तरह का प्रिंट है। और मेरा जो साइज है ना इसमें, मेरा साइज जो मैं जितने भी कुर्तीज में साइज परचेज करती हूँ वो मैं एक्सेस स्मॉल लेती हूँ, और इसमें मैंने साइज जो परचेज किया था वो है स्मॉल, क्योंकि इसमें एक्सेस स्मॉल अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसमें स्मॉल परचेज किया है। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा फिटिंग कर लिया है तो ये मुझे बिल्कुल फिट आ रहा है, ज्यादा ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, तो थोड़ा सा फिटिंग करेंगे तो आपका कुर्ता चल जाएगा। तो सेकंड कुर्ता है ये, तो ये भी बहुत सुंदर कुर्ता है। जितने भी कुर्ते हैं ना सबकी प्राइसिंग आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दी जाएगी। तो चलिए अब दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट कुर्ता, जो कि मैंने यही कोई इसको तो शायद खरीदे हुए मुझे 3-4 महीने हो गए हैं और ये बहुत सुंदर कुर्ता सेट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मेरे पास, ये है ब्लैक कलर में है, ये सॉलिड कलर में कुर्ता है, इसके ऊपर कोई ऐसा मतलब आपको कोई और कलर नहीं मिलेगा, तो कुछ इस तरह का है। और ये भी आप देख सकते हैं ये भी लिबास ब्रांड का है और इस पर ये नेक पे आपको इस तरह से ये वर्क मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको इस यहाँ पर आप देख सकते हैं धागे का कुछ वर्क दिया हुआ है और इसकी जो स्लीव्स है इस पर भी इस तरह से ये हल्का सा काम दिया हुआ है। पूरा जो कुर्ता है आपको बिल्कुल प्लेन मिलेगा और पूरा लॉन्ग कुर्ता है ये, आपके नी लेंथ से भी लंबा मतलब आपको कुर्ता मिलेगा। और इसमें आपको एक सॉलिड प्लाजो मिल जाता है जो कि ब्लैक कलर का है और इसके ऊपर ना कोई वर्क वगैरह नहीं है, प्लेन है और मुझे बहुत अच्छा लगा पहनने के बाद, बहुत अच्छा लगा। और इसकी जो सबसे ज्यादा अच्छी बात है, जो चीज को बहुत सुंदर बनाती है, वो है इसका दुपट्टा। मैंने इसको इसके दुपट्टे की वजह से ही परचेज किया है, तो यहाँ पर आप दुपट्टा देख सकते हैं पूरा फुल लेंथ दुपट्टा आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं ग्रे एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन और बहुत सुंदर लगता है ये ब्लैक के साथ में। इस तरह से यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं छोटे छोटे टैसल्स दिए हुए हैं दुपट्टे में, दोनों ही कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा। इसकी दुपट्टे की लंबाई या फिर चौड़ाई आप जो भी कहें, बिल्कुल फुल लेंथ है ये, आप इसको आराम से इसको ओढ़ सकते हैं जैसे भी आप चाहें,
बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये भी आप देख रहे होंगे टायरन हॉल में, तो बहुत सुंदर लगता है ये वाला सूट भी, चाहे तो इसे ही परचेज कर सकते हैं। और इसको मैं एक बार वॉश भी कर चुकी हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, इसका बिल्कुल भी कलर नहीं गया है, इसके ऊपर कोई बबलिंग नहीं हुई है, और मतलब बिल्कुल भी फेट ही हुआ है। क्योंकि ये जो आप मेरा कुर्ता देख रहे हैं, जो मैंने पहन रखा है, ये भी लिवास ब्रांड का, और इसको मैं यही कोई कम से कम मैं इसको 4-5 बार मैं इसको वॉश कर चुकी हूँ, और ये आज भी बिल्कुल वैसा ही लगता है, ना ही इसमें से थोड़ा सा भी रंग गया है ना ही कुछ। और आप इस पर थोड़ा सा यहाँ पर डिटेलिंग का काम है, ये भी बहुत सुंदर है। अगर आप इसका लिंक चाहते हैं तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप चाहते हैं इसको भी परचेज करना तो ये भी बहुत अच्छा है। इस पर यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाते हैं, इसका दुपट्टा भी बहुत सुंदर है। तो चाहे ये वाला कुर्ता लेना तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, अगर आपको ये वाला अच्छा लग रहा है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इस हॉल का लास्ट कुर्ता, जो कि मैंने अभी रिसेंटली ही बाय किया है, ये अभी कोई 2-3 दिन पहले ही मेरे पास आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत सुंदर कलर है, ये आप देखिए ये है वाइन कलर, और ये लिवास का न्यू कलेक्शन है। मतलब लिवास ने ये कुछ न्यू जो डिजाइन है वो लॉन्च किए थे, और इसका जो प्राइस है वो है 1999, यानी कि ऑलमोस्ट 2000 रुपीज का है, बट ये मुझे सिर्फ 1000 रुपीज में मिला है। मतलब ये अभी 2-3 दिन पहले आया है, इसलिए इसका प्राइस मुझे एग्जैक्टली याद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से नेक पे ये कुछ इस तरह से वर्क है, और इसकी जो स्लीव्स है वो फुल स्लीव्स है, और इस पर यहाँ पर आपको इस तरह से वर्क मिल जाएगा, और बहुत सुंदर कुर्ता है। इस कुर्ते में आपको यहाँ पर नीचे भी वर्क मिलेगा, जो इसका नीचे का एरिया है यहाँ पर भी आपको ये इस तरह से वर्क मिल जाएगा, और बहुत ही सुंदर इसका कलर है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, सिल्क में ये कुर्ता है, और इसके अंदर आपको लाइनिंग भी मिल जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा सी थ्रू है, तो इसके साथ इन्होंने यहाँ पे लाइनिंग भी अटैच करके दी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई इनर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुर्ता भी बहुत सुंदर, और पहनने के बाद ना इसमें कलर इतना ज्यादा फेयर लगता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है जो वाइन कलर होता है ना, उसको पहनने के बाद आपका कलर बहुत ज्यादा फेयर लगता है। बहुत ही सुंदर कुर्ता है ये। इनके जो नेक लाइन है, जो लिबास के कुर्ते होते हैं उनकी नेक लाइन जो है वो आपकी गिरती नहीं है, बिल्कुल भी डीप नहीं रहती, आपको अनकंफर्टेबल बिल्कुल फील नहीं होगा। तो काफी अच्छा कुर्ता है ये। अगर आप इसके ये वाली रेंज देखना चाहते हैं ना, तो वो भी देख सकते हैं। मैंने इससे एक और कुर्ता परचेज किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट अपने हॉल में, क्योंकि एक वीडियो ना बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने एक साथ से सारे कुर्ते आपके साथ शेयर नहीं किए हैं। तो नेक्स्ट कुर्ता है ये, और ट्राई ऑन में आप देख रहे होंगे कि कितना सुंदर ये कलर लग रहा है। तो यही थी आज मेरी सारी परचेज जो कि मैंने मिंत्रा से की है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, एंड बेल बटन प्रेस कर दीजिए। जितने भी कुर्ते मैंने आपको दिखाए हैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जितनी भी करंट प्राइसिंग है वो भी आपको पता चल जाएगी, प्लस जो मैंने जिस प्राइसिंग पे लिया है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।